सज्जन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके सितारे कुछ गर्दिश में लग रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? खुल के बात करो। आज घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। अब्बू ते गुस्से में थे और इरा भी। अम्मी भी अब मुखालिफ हो चुकी हैं। शायद नहीं, यकीनन अब ये रिश्ता होना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लें जो आपकी कदर भी कर सके। कहां से मिलेगी अच्छी और प्यारी लड़की? दुनिया भरी पड़ी है अच्छी और खूबसूरत लड़कियों से। इरा उनके सामने कुछ भी नहीं। पता नहीं इरा मैं आपको क्या दिखा, एक दफा उसे देखो तो दूसरी दफा देखने का दिल ही ना जाए। ये तुम क्या कह रही हो सच? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम इरा से जेलस हो? मैं क्यों जेलस होने लगी? मेरा कोई मुकाबला नहीं उसके साथ। होना भी नहीं चाहिए। कहां तुम कहां वो। जितनी तुम हसीन हो तुम्हें देखकर तो कुदरत पे प्यार आता है, लेकिन इस दिल का क्या करूं सचल जो बस इरा की ख्वाहिश करता है। अब दरवाजे पे कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सारी खबर आपको देती रहूंगी। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। शहीर। दादी, आप यहाँ कैसे? हम आपका मुंह मीठा करवाने आए। बहुत बहुत मुबारक। इरा के चचा जान आपके और इरा के रिश्ते के लिए हाँ करती है। आप सच कह रही हैं? दादी मेरे दिल के साथ कोई मजाक ना कीजिएगा, आप जानती हैं मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं वहीं से आ रही हूँ अभी, और मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? अच्छा अब आपने तो मुंह मीठा कर लिया ना, अब इरा का भी जाके करवाएं। हाँ लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप अब ये मुझे दीजिए, यहाँ ये बताइए, मुझे सारी बात बताइए शुरू से कि कैसे हुआ ये सब A to Z। हम अपने पोते के